सो हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फाइटो रेमीडिएशन सो हमने इससे पहले बायो रेमिडिएशन वाला टॉपिक कवर किया था तो बायो रेमेडिएशन में हम क्या कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके कंटामिनेंट्स को रिमूव कर रहे थे डिग्रेड कर रहे थे और उस कंटामिनेटेड साइट को क्लीन किया जा रहा था विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म फाइटो में हम क्या करेंगे कि जो कंटामिनेंट्स हैं जो हमारी कंटामिनेटेड साइट है उसको हम क्लीन करेंगे यूजिंग द प्लांट्स प्लांट्स का यहाँ पे यूज होता है टू ट्रीट द कंटामिनेंट्स और टू कंट्रोल द लेवल ऑफ कंटामिनेंट्स अब ये जो फाइटो है देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हैवी मेटल का पोल्यूशन है तो या फिर कोई टॉक्सिक केमिकल जो है वो सॉइल के अंदर चला गया है तो आप क्या चाहते हो कि वो सॉइल को आप क्लीन करना चाहते हो उसमें से जो भी कंटेमिनेंट है जो भी हैवी मेटल है या टॉक्सिक केमिकल जो गया है सॉइल के अंदर आप उसको रिमूव करना चाहते हो एंड उसको भी आप एक बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली वे में करना चाहते हो और ऐसा तरीका हो कि जो एक्सपेंसिव भी ना हो तो हम उस रीजन में क्या करेंगे जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ करा जाएगा जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो उस पर्टिकुलर हैवी मेटल को या उस पर्टिकुलर कंटामिनेंट को वेस्ट को अपने अंदर एक्यूमिलेट कर लेंगे और उस कंटामिनेटेड साइट को क्लीन कर देंगे सो so, हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है टू कंट्रोल द कंटामिनेंट्स। सो यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सकेवेसन अब मान लो कि एक जगह पे कंटामिनेशन है सॉइल के अंदर यहाँ पे कंटामिनेशन आ गई तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को यहाँ पे लगा दिया जाएगा ऐसे प्लांट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैडमियम की हैवी मेटल पोल्यूशन हो रखा है तो हम ऐसे प्लांट्स को लगाएंगे जो कि कैडमियम डिग्रेड कर सकें या कैडमियम को एक्यूमिलेट कर सकें अपने अंदर तो ऐसे प्लांट्स का यूज़ किया जाएगा एक्सकेवेशन मतलब कि हम जहाँ पे कंटेमिनेशन है उसी साइट पर उसको ट्रीट किया जा रहा है उसको कहीं उठा करके ले जाया नहीं जा रहा है इन सी टू तरीका है मतलब जहाँ पे कंटेमिनेशन है वहीं पे उसको ट्रीट करा जाए अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो रेमिडिएशन के बारे में देखेंगे सबसे पहले है फाइटो एक्यूमिलेशन या फिर इसको बोला जाता है फ़ाइटो एक्सट्रैक्शन सपोज करिए कि ये हमारा प्लांट है एंड ये जो सॉइल है इसके अंदर क्या हो है हैवी मेटल कंटेमिनेशन है इस सॉयल के अंदर मान लो निकल कैडमियम लेड कोई भी हैवी मेटल के यहाँ पे कंटेमिनेशन है तो ये प्लांट क्या करेगा ये प्लांट इन हैवी मेटल्स का अपटेक करेगा एंड इसको अपनी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट कर लेगा इससे क्या होगा जब ये जो हैवी मेटल है ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट जो है वो अपने अंदर एक्यूमलेट कर लेगा तो जो हमारा सॉयल है वो क्या हो जाएगा क्लीन हो जाएगा सो so, यहाँ पे देखें कि जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एक तो वो मेटल जो कि प्लांट आसानी से अपटेक कर सकता है जैसे कैडमियम निकल जिंक सिलीनियम कॉपर, आर्सेनिक और एक जो हमारा मॉडरेट अमाउंट में वो अपटेक कर सकता है जैसे कोबाल्ट मैगनीज़ आयरन और ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं टू अपटेक फॉर द प्लांट्स जैसे लेड है यूरेनियम है क्रोमियम है सो so, यहाँ पर अगर इन एलिमेंट्स को जो हमारे बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं अपटेक करने तो हमें क्या करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करनी पड़ेगी प्लांट की ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके उस एलिमेंट को सो फॉर एक्सट्रैक्टिंग दीज मेटल्स लेड यूरेनियम क्रोमियम इनके लिए हम क्या करते हैं आप सोइल के अंदर क्या कर दीजिए चिलेटिंग एजेंट को ऐड कर लीजिए जो आपको अगर लेड वहाँ पे पोल्यूशन है मान लो कोई सॉयल है सॉइल में लेड की कंटामिनेशन है तो प्लांट के लिए लेड को अपटेक कर पाना बहुत मुश्किल है तो हम क्या करेंगे उस सॉइल के अंदर हम चिलेटिंग एजेंट को डाल देंगे अब ये चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा ये चिलेटिंग एजेंट रिएक्ट करेगा लेड आयन्स के साथ में एंड दे विल फॉर्म वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो कि इजीली प्लांट रूट्स जो है अपटेक कर लेंगी एंड रिमूवल ऑफ लेड फ्रॉम द सॉयल विल अकर नाउ नेक्स्ट इज कि यूरेनियम को अगर हमें रिमूव कराना है या अक्यूमुलेट कराना है बाई विद द हेल्प ऑफ प्लांट तो प्लांट तो अपने आप तो कर नहीं सकता उसके लिए बहुत मुश्किल काम है ये तो हम क्या करते हैं सॉइल के अंदर सिट्रिक एसिड को डाल देते हैं इससे क्या होता है कि प्लांट क्या हो सकता है प्लांट ईजिली इसको अपटेक कर सकता है सो कुछ यहाँ पर प्लांट्स के एग्जाम्पल है जैसे कि हिलाइंथस एनस जो है वो लेड कैडमियम जिंक को अक्यूमुलेट कर सकता है अरेबिडोपसिस हेले जो है वो जिंक कैडमियम हैवी मेटल को एक्यूमलेट कर सकता है मेडिकागो सटाइवा जो है वो लेड को एक्यूमलेट कर सकता है सो so, ये हमारे पास क्या है हाइपर एक्यूमलेटिव प्लांट्स हैं तो ये क्या कर सकते हैं हाइपर एक्यूमलेसन कर सकते हैं टॉक्सिक कंपाउंड का हैवी मेटल्स का नाउ no. अब ये जो हाइपर एक्यूमुलेशन वाली जो एबिलिटी है प्लांट्स की वो डिपेंड करती है मान लो सपोज करो कि ये आपका क्या था प्लांट था दिस वाज द प्लांट एंड अगर कंटेमिनेशन जो है वो बहुत नीचे है ये क्या है? हमारे हैवी मेटल का कंटेमिनेशन है तो जो प्लांट की रूट्स है ना वो वो छोटी, -छोटी है वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही तो ऐसा कंटेमिनेट जो कि सॉइल के बहुत ज़्यादा डीप है जहाँ तक रूट्स जो हैं प्लांट की वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं तो इस केस में फाइटो रेमिडिएशन की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम होगी ऑल्सो प्लांट की जो एफिशिएंसी है फाइटो एक्यूमलेशन की वो डिपेंड करती है क्लाइमेट कैसा है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है सो so, ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट करेंगी नेक्स्ट है फाइटो स्टेबलाइजेशन फ़ाइटो स्टेबलाइजेशन में क्या होता है यहाँ पे देखिए ये आपके प्लांट्स थे ये यहाँ पे कंटेमिनेटेड साइट है यहाँ पे हैवी मेटल का पोल्यूशन हो रखा है तो अगर ये plants ना होते तो क्या होता कि ये हैवी मेटल जो है वो सॉयल में है ये क्या हमारा सॉइल है कंटेमिनेटेड सॉयल है तो जब हवा चलती तो ये जो सॉयल है जिसमें हैवी मेटल है वो विंड के हवा के उससे पानी के अंदर चला जाता वाटर बॉडी के अंदर चला जाता सॉयल उठ के तो हैवी मेटल जो है वो वाटर बॉडी के अंदर भी चला जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन भी हो जाता लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लांट्स हैं प्लांट्स होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हैवी मेटल है प्लांट्स क्या करते हैं कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि ये जो हैवी मेटल है वो इमोबलाइज हो जाएंगे यानी कि उनकी मूवमेंट जो है जो कंटेमिनेंट्स की मूवमेंट है उसको रोक दिया जाएगा उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा उस कंटेमिनेंट को इमोबलाइज कर दिया जाएगा जहाँ पे है उसको वहीं पे बोलेंगे स्टैचू बस फिर तुम यहाँ से नहीं हिल सकते हो तो उसको जो है प्लांट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि वो जो कंटेमिनेट है उसकी मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए और वो इमोबलाइज हो जाए ताकि जो भी उसके इल इफेक्ट्स हैं वो बंद हो जाए सो so यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे डिग्रेड नहीं होता है कंटेमिनेंट कोई उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है जस्ट उसको इनएक्टिव करा जा रहा है उसको उसकी मूवमेंट को बंद किया जा रहा है इमोबलाइज किया जा रहा है ताकि उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो देखने को ना मिले नेक्स्ट है फ़ाइटो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं कंटेमिनेंट जो है हमारा पोल्यूटेंट जो कि टॉक्सिक था उसको नॉन टॉक्सिक में या लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सो so उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाएगा बाय कंप्लीट ब्रेक डाउन नेक्स्ट इज़ द फाइटो स्टिमुलेशन फाइटो स्टिमुलेशन में क्या होता है कि सपोज करो कि ये हमारा प्लांट था एंड इसकी जो हैवी मेटल ये यहाँ पे हैवी मेटल की कंटामिनेशन है अब हैवी मेटल को डिग्रेड करने की जो इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है मान लो एक दो परसेंट इसकी है हैवी मेटल को डिग्रेड करने की या उससे जो है एक्यूमुलेट करने की उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है तो अगर इतनी कम एफिशिएंसी है तो इससे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इतना टाइम थोड़ी हम वेट करेंगे सो so, और इतना टाइम जब उसको लग रहा है तो इतने तो और कंटेमिनेशन बढ़ जाएगी इतने वो थोड़ी बहुत एक दो परसेंट कम करेगा तो और कंटेमिनेशन बढ़ जाएगी उस टाइम पीरियड में तो इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे रोल आता है यहाँ पे क्या आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट क्या करता है प्लांट कुछ सर्टेन कंपाउंड्स को रिलीज़ करता है फ्रॉम इट्स रूट ये जो इसकी रूट है यहाँ से कुछ कंपाउंड को ये रिलीज़ करेगा जो कि स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को ऐसे बैक्टीरियाज जो कि कैपेबल हैं ऑफ़ डिग्रेडिंग द कंटेमिनेंट्स तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मतलब प्लांट क्या करे एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिनके पास की डिग्रेडिंग कैपेसिटी है कि वो कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं तो उनको एक एन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है प्लांट कुछ ऐसे सर्टेन कंपाउंड्स को रिलीज कर रहा है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे फिर उस हैवी मेटल पर एक्ट करेंगे उस कंटेमिनेंट पर एक्ट करेंगे एंड ऐसे उसमें कन्वर्ट कर देंगे कि वो प्लांट जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पाए प्लांट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाए मान लो कि कोई ऐसा कंटेमिनेंट था उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ था नाइट्रेट का जिसकी वजह से वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको रिमूव कर देगा सो so, ऐसी उसको और सिंपलर बना देगा उस कंटेमिनेंट को ताकि जो प्लांट है वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाए और उसको आगे टैकल कर पाए एग्जाम्पल है अल्फा अल्फ़ा दैट इज मेडिकागो सेटाइवा जो कि सॉइल के अंदर अगर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का कंटेमिनेशन होता है तो ये उसके लिए यूजफुल है ये वाला प्लांट नेक्स्ट है राइज़ो फिल्ट्रेशन अभी तक जो आपने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि भाई सॉइल में अगर कोई कंटेमिनेशन हो तो उसको कैसे प्लांट्स टैकल करते हैं अब राइज़ो फिल्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे कि अगर पानी के अंदर कोई कंटेमिनेशन हो तो उसको प्लांट्स के हेल्प से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं सबसे पहला क्या है राइज़ो फिल्ट्रेशन राइज़ो फिल्ट्रेशन में क्या होगा यहाँ पर हम प्लांट्स का यूज़ करेंगे प्लांट्स क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे कंसनट्रेट करेंगे प्रेसिपिटेट कर लेंगे टॉक्सिक मेटल को फ्रॉम द कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर अब ये प्लांट है और ये पानी है ठीक है ये क्या है हमारा ग्राउंड वाटर है और इस ग्राउंड वाटर में क्या हो रखा है हैवी मेटल का कंटेमिनेशन हो रखा है दिस इज हैवी मेटल कंटेमिनेशन तो प्लांट्स की जो रूट है वो आपकी क्या होनी चाहिए ग्राउंड वाटर तक पहुंचनी चाहिए तभी जो है हम इन सीटू परफॉर्म कर सकते हैं इन सीटू राइजो फिल्ट्रेशन परफॉर्म हो सकता है सो so, ये प्लांट्स की रूट्स क्या करेंगी कंटामिनेंट्स को सक कर लेंगी एंड उसको एक्यूमुलेट कर लेंगी सो so ये जो प्रोसेस है राइजोफिल्ट्रेशन इट इज सिमिलर टू फाइटो एक्यूमलेशन बस फर्क इतना है कि फाइटो एक्यूमुलेशन हमने सॉइल के केस में पढ़ा और राइजोफिल्ट्रेशन जो है उसमें वाटर कंटेमिनेशन को हम रिमूव कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ प्लांट्स तो वाटर में से अगर आपको कंटेमिनेशन को रिमूव करना है तो प्लांट्स क्या करते हैं राइजो फिल्ट्रेशन पर अगर क्या हो कि ये जो प्लांट है इसकी जो रूट्स हैं ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच ही नहीं पा रही इसकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच नहीं पा रही ग्राउंड वाटर नीचे है एंड इस ग्राउंड वाटर में क्या है हैवी मेटल का कंटेमिनेशन है दिस इज़ हैवी मेटल कंटेमिनेशन तो ये जो रूट्स हैं वो तो पहुंच ही नहीं पा रही तो इस केस में हम क्या करते हैं इस केस में इन सी टू ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा एग्स टू ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एक्सी टू मतलब कि पंप से विद हेल्प ऑफ पंप इस ग्राउंड वाटर को सक किया जाएगा एंड इसको किसके पास ले जाया जाएगा प्लांट रूट्स के पास में ले जाया जाएगा मतलब इसको सक किया फिर यहाँ पे हमने इसको डाल दिया यहाँ पे प्लांट को प्रोवाइड कर दिया फिर ये प्लांट क्या करेगा अब इसमें से कंटेमिनेशन को रिमूव कर सकता है तो एक्सिटू अगर आपको परफॉर्म करना है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सेलेक्शन ऑफ द प्लांट्स विद स्टेबल रूट सिस्टम ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेबल रूट सिस्टम है उनका सिलेक्शन किया जाता है एंड ये जो प्लांट्स होंगे फिर इनको ट्रांसफर किया जाएगा कंटेमिनेटेड साइट पे टू कलेक्ट द कंटेमिनेट्स वंस द रूट्स आर सेचूरेटेड दे आर हारवेस्टेड सो so, मान लो कि यहाँ पे ये हमारा वाटर है ठीक है इस वाटर में हैवी मेटल कंटेमिनेशन है दिस इज़ हैवी मेटल तो हमने क्या किया कुछ ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन किया जिनका स्टेबल रूट सिस्टम था और उन प्लांट्स को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया सो so, ये जो प्लांट्स है उनको ट्रांसफ़र कर दिया टू द कंटेमिनेटेड साइट अब ये प्लांट्स क्या करेंगे इनकी जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी जो भी कंटेमिनेंट्स हैं जो भी हैवी मेटल है उसको एब्जॉर्ब करेंगी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेंगी तो ये जो मेथड होता है उसको सी टू मेथड बोलते हैं सो so आपने पहले क्या किया कंटेमिनेटेड वाटर को इकट्ठा करा एंड फिर उसको प्लांट से ट्रीट कराया सो so, प्लांट्स क्या कर सकते हैं अगर वाटर के अंदर टॉक्सिक मेटल का कंटेमिनेशन है रेडो एक्टिव है उसको भी रिमूव किया जा सकता है सो so, यहाँ पर राइज़ो फिल्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पे कि लो कंसनट्रेशन होती है मतलब देखो पानी के अंदर क्या है पानी तो बहुत ज़्यादा होता है कंटेमिनेट्स थोड़े से होते हैं तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे होता है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है राइज़ो फिल्ट्रेशन इस केस में प्लांट्स क्या करते हैं हैवी मेटल को एक्यूमुलेट मतलब ऐसे प्लांट्स को आपको सेलेक्ट करना है जो कि अपनी शूट में एक्यूमलेट ना करें कंटेमिनेंट्स को अपनी रूट में ही जो है एक्यूमलेट करें मतलब यहाँ पे देखो ये हमारे प्लांट्स थे इन्होंने क्या किया हैवी मेटल का अपटेक किया अब ये जो है इनकी रूट में ही रहना चाहिए ये ये नहीं है कि ये अक्यूमलेट करके ऊपर शूट में भेज दें छूट में नहीं भेजेंगे एक बार ही इनकी जो सेचूरेशन लेवल आ जाता है जब क्या हो जाता है सेचूरेशन लेवल आ जाता है तो इसको वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है तो वाटर के अंदर क्या होता है कंटेमिनेशन है पल्यूटेंट्स की ये जो प्लांट्स हैं, वो क्या करेंगे अक्यूमलेट कर लेंगे अपटेक कर लेंगे उन कंटेमिनेट्स का लेकिन ये जो अक्यूमलेसन है दैट शुड बी लिमिटेड टू द रूट शूट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर शूट में जाएगा तो जो प्लांट रेजिड्यू होगा वो टॉक्सिक होगा एंड उसको आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार ही सैचूरेशन आ जाती है रूट्स में रूट्स ने क्या कर लिया एक्यूमलेट कर लिया हैवी मेटल को तो एक बार ही सैचूरेशन लेवल आ गया तो इन प्लांट्स को यहाँ से उखाड़ लिया जाएगा एंड उनको क्या कर लिया जाएगा इधर दे आर स्मेल्टेड और दे आर डिस्पोज्ड ऑफ क्योंकि उनके अंदर क्या है कंटेमिनेशन है हैवी मेटल है फॉर एग्जाम्पल वाटर हाईअसेंथ जो है वो मेटल पल्यूटेंट्स को फिल्टर करने में राइजो फिल्ट्रेशन से वो क्या करता है मेटल के कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है सो नेक्स्ट वी हैव द फाइटो वॉलिडाइजेसन सो so, फाइटोवोलेटाइजेशन मतलब कि कोई टॉक्सिक जो है कंटेमिनेंट था कोई भी टॉक्सिक कंटेमिनेंट था जो कि नॉन वोलेटाइल था नॉन वोलेटाइल था तो प्लांट्स क्या करते हैं उस टॉक्सिक कंटेमिनेंट को कन्वर्ट कर देते हैं वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर ताकि वो क्या हो सके प्लांट की लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन से वो बाहर जा सके फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट है ब्रैसिका जूंसिया ये जो प्लांट है जिसको आप इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं ये सिलीनियम और मर्करी सिलीनियम और मर्करी को जो है वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज कर देता है और फिर लीव्स के थ्रू जो है ट्रांसपेरेशन से बाहर निकल जाते हैं ये कंटेमिनेंट्स एंड आपका जो सॉइल है वो क्लीन हो जाएगा सो so, अगला है फाइटो डिग्रेडेशन फाइटो डिग्रेडेशन क्या है कि इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करेंगे डिस्ट्रॉय ही कर देंगे कंटेमिनेंट को तो वो एक्चुअली उसको मेटाबोलाइज करेंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे विद इन द प्लांट वो जो कंटामिनेंट है वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर ट्रीज़ जो होते हैं आपने देखे भी होंगे दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट टी सी ई दैट इज ट्राई क्लोरोथाइलिन को वो डिग्रेड कर सकते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट है वो डिग्रेड हो जाता है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे